ले जनाब टाइप्स ऑफ अलजबरा आपके सामने हाजिर है अलजबरा जब आप सीख रहे होते हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस लेवल पे अलजब्रा को पहले स्टार्ट करना है अगला लेवल क्या है उससे अगला लेवल क्या है उससे अगला लेवल क्या है आपने वीडियो गेम्स तो खेली होंगी कभी ऐसा हुआ कि आप पहली जो मेन शैतान आता है या बड़ी जो ब्ला आती है फौजी वाली गेम आपने खेली होगी ना फौजी वाली गेम नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक गेम हुआ करते थे ऐसे कोई दस पंद्रह साल पहले फौजी वाली गेम होती थी उसको आप खेलते थे तो आपकी पहली स्टेज होती थी दूसरी होती थी तीसरी होती थी चौथी होती थी चीचू मिचू गेम का पता है स्नो ब्रोस का वो भी आपने खेली होगी अगर नहीं खेली तो कोई भी ऐसी गेम जिसको आपने एंड लेवल पर जाना होता है उसको आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ अल्जबरा कितनी किस्म का है टाइप्स ऑफ अल्जबरा जब हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टाइप आती है प्री अलजबरा यानी कि अलजबरा से भी पहले क्या सीखना है परेशान तो नहीं हो ना तो अल्जबरा सीखने से पहले आप क्या करते हैं आप कोई भी एक कोर्स लेते हैं इंट्रोडक्शन जिसका हो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन का फ्रैक्शन का डेसीमल्स का एंड इंट्रोडक्ट्री अलजबरा कॉन्सेप्ट तो प्री अल्जबरा के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ठीक है सेकेंड आपकी आती है एलिमेंट्री अल्जब्रा एलिमेंट्री अल्जब्रा क्या होता है ये मोस्ट बेसिक फॉर्म है अजबरा की दैट फोकसज ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अल्जबरिक एक्सप्रेशंस अल्जबरिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया जो इक्वेशन होती हैं उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी कि प्लस है तो वह दूसरी साइड पर कैसे लेके जाना एंड हाउ टू रिजॉल्व दोज एंड वर्किंग विद वेरिएबल्स वेरिएबल्स कैसे हमने डिफाइन करने तीसरी हमारे पास आती है इंटरमीडिएट अजबरा जिसके अंदर हम कंटिन्यूएशन देखते हैं ऑफ फिलीमेंट्रल जबरा इंट्रोड्यूसिंग मोर कम्पलेक्स इक्वेशन तो बारी 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 आप आगे जाते रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आता है एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है एंड लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का आता है अब ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आपने सुने होंगे कि लॉग क्या होता है अब आपको मैं वापस लेके चलता हूँ डेटा साइंस की जर्नी के ऊपर वहां पर हमने लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को यूज करके अपने डेटा को क्या किया था स्टैंडर्डाइज किया था या नॉर्मलाइज किया था तो डेटा साइंस के अंदर ये वाला जो पार्ट है इंटरमीडिएट अल्जब्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है फिर लीनियर लीनियरजबरा क्या करता है ये डील करता है वैक्टर से वैक्टर स्पेसिस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से फंडामेंटल इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड साइंस अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इमेज एनालिसिस करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपकी इमेज जो है वो पिक्सल्स के अंदर डिवाइड होकर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होती है तो लीनियर एल्जब्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्जब्रा दैट यू नीड टू लर्न एज ए डेटा साइंटिस्ट एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर एज एन ए डेवलपर एज अ डीप लर्निंग इंजीनियर या आपने अगर अपने नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना है डू यू नीड टू लर्न इन लीनियर एल्जबरा विद टॉप नॉच स्किल कैसे सीखना है इनशाला मैं आपको सिखा रहा हूँ डोंट वरी तो लीनियर अल्जब्रा क्यों जरूरी है वैक्टर्स की बात होती है वैक्टर स्पेसिस की बात होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इसमें बात होती है एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होती है अब वैक्टर्स क्या हैं जब आप कोई भी डायमेंशनलिटी रिडक्शन का काम का करते हैं इन डेटा साइंस खासतौर पर पी सी ए प्लाट बनाते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट अनालस बनाते हैं वहाँ पर आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स होते हैं जो फीचर इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है अब आपको अगर वैक्टर्स के कंसेप्ट का नहीं पता तो भैया आप वो कहाँ पर समझेंगे खुद सोचें सो लीनियर अल्जब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके दैन हमारे पास एब्सट्रैक्ट एंड मॉडर्न आता है यानी कि विच एक्सप्लोर्स एल्ज्रिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रुप्स रिंग्स फील्ड्स एंड डेलविंग इन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेश एंड स्ट्रक्चर्स ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और मॉडर्न मॉडर्नजबर है जिसके अंदर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स भी आ जाते हैं और जारी बात है अगर आप मॉडर्न मॉडर्नजब्रा या एब्स्रैक्ट अजबरा सीखेंगे देन यू कैन रिजॉल्व मैनी इशूज एंड क्रिएट न्यू एल्गोरेथम्स बोलियन बुलियन जबरा जो फंडामेंटल है कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो बाइनरी वैल्यूज के साथ डील करता है बाइनरी वैल्यूज क्या है जीरो वन जीरो वन जीरो 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 कंप्यूटर जो है वो बात करता है बाइनरी कोड्स के अंदर और अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपको कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी हुई है you यू नो know कि बुलियन एल इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू हिट ए और के ऑन योर कीबोर्ड तो कंप्यूटर कैसे उसे इंटरप्रेट करता है और किस तरीके से आपके सामने वो प्रेजेंट करता है तो इसके पीछे सारा क्या चल रहा है बोलीन अल्जबरा चल रहा होता है कि किस तरीके से आपने रिजॉल्व करना है एंड देन यू हैव रिलेशनल अल्जबरा इसके अंदर क्या होता है आप डेटा बेसिस थ्यूरी को देखते हैं अब मैं बात करूंगा कि आप डेटा बेसिस थ्यूरी क्या होती है फोकसज ऑन सेट्स रिलेशन एंड ऑपरेशन टू प्रोसेस एंड थ्यूरी डेटा इन डेटा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एस का नाम सुना हुआ है एस क्यू एल में से काफी लोगों ने सुना होगा नहीं सुना में से काफी लोगों ने एसक्यूएल का नाम सुना होगा ऐसे ही है एस क्यू एल एस जो है ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ये क्या करती है रिलेशनल डेटाबेस बनाती है ठीक है मतलब आपका हर डेटा का एक कॉलम व दूसरे कॉलम के साथ लिंक करके आपको देती है इसको रिलेशनल डेटा बोलते हैं कि एक आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल अमार आ गया ना यहाँ पे अब अमार का जितना भी डेटा है वो सारा इस एक टैग के साथ लिंक्ड है तो वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं रिलेशनल अलजबरा के थ्रू तो आप क्या करते हैं डेटा की थ्योरी अगर कोई आप में से डेटा इंजीनियर बनने का शौक़ रखता है फोकसिंग ऑन सेट्स सेट्स क्या होते हैं रिलेशंस क्या होते हैं ऑपरेशंस कौन कौन से यूज होते हैं टू प्रोसेस द क्यूरी डेटा इन डेटाबेस क्यूरी क्या होती है बेसिकली आप बताते हैं कि अमार ने थर्सडे को कौन सी गूगल पे वेबसाइट सर्च की थी तो अक्सर औकात इसका लिंक बनता है इस तरीके से कि नाम अमार है फिर थर्सडे आ गया फिर गूगल आ गया फिर सर्च वेबसाइट आ गया तो ये रिलेशन बनते हैं बजाय इसके कि सारे के सारा डेटा मेरा मार अमार मार इस तरीके से लिखा गया हो वो एक ही कॉलम बनाते हैं और उससे आगे रिलेट करते हैं डेटा को सो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटा और इसके अंदर रिलेशनल अजबरा जो है वो यूटिलाइज होता है अब आप समझ रहे होंगे कि यार रिलेशनल अलजबरा जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है आई डोंट नीड टू लर्न तो आप गलत समझ रहे हैं सो so, इस वजह से रिलेशनल रिलेशनलजबरा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आता है कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनलरा ये क्या करता है कंप्यूट कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए इक्वेशंस को रिजॉल्व करता है और आपको भी पता है कि जब ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा कंप्यूटेशन यूज़ होगी और ज़्यादा बड़ी इक्वेशंस होंगी तो ज़्यादा कंप्यूटेशन वाला वालाजबरा होगा तो इसका मतलब जितनी बड़ी इक्वेशन होगी जितने बड़े नंबर्स होंगे जितना बड़ा डेटा होगा इसको मैं कहता हूँ कि बिग डेटा का अलजबरा कंप्यूटेशनल अलजबरा तो आप उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन यूज़ करके बड़ी अल्जब्रिक्वेशनस को रिजॉल्व करेंगे वो दौर गया कि आपको वाइट बोर्ड पर लिख 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 के सारा कुछ रिजॉल्व करना पड़ता था आप लोग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ और आपके पास डिफरेंट किस्म के मैथमेटिशियंस भी मौजूद हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो कंप्यूटेशनल अजब्रा को यूटिलाइज करके डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है वो अलजैब्रिकलोरिथम्स एल्गोरिथम्स लेके आते हैं देन हमारे पास आगे आता है होमोलॉजिकल अलजब्रा जिसके अंदर आप होमोलॉजी और को होमोलोजी ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होता है आपने मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम पढ़ना है या आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर एक जैसे लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको मेरी इस क्लास में अगर मैं सेपरेट करूँ दो हिस्सों में इस क्लास को तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं कहता हूँ कि यार जो फीमेल्स हैं वो इस साइड पर हो जाए मेल्स इस साइड पर हो जाए तो फीमेल्स और मेल जब मैं सेपरेट करूंगा तो मैंने एक होमोलॉजी की बेस पे यानी कि अपने जेंडर की बेस पे उनको सेपरेट कर दिया तो ये होता है होमोलॉजिकल अजबरा जब आप इक्वेशंस के थ्रू डिफरेंट किस्म के डेटा की होमोलॉजी को चेक करते हैं और ये क्लस्टरिंग के अंदर यूज होगा फिर इसके बाद जो अगला हमारे पास आता है वो है यूनिवर्सल अलजबरा और ये क्या करता है ये स्टडी करता है प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल अलजैबरिक स्ट्रक्चर्स ठीक है और ये बार बार जो बैलूनस आपके सामने आ रहे हैं ये इसकी रीज़न ये है कि जब भी मैं विक्ट्री का साइन बनाता हूँ तो पीछे से बिलून जो हैं वो आने लग जाते हैं ये मशीन लर्निंग की टाइप है जो ख़ासतौर तो पर मैक बुक्स के अंदर चलती है देन टाइप ऑफ अल्जबरा को मैं और भी यहाँ पर बिल्कुल ही एक टेबल की फॉर्म में आपको देता हूँ सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है ठीक है फोर प्लस वट इज़ इकल टू नाइन तो वट क्या है आपके पास ये फाइव है बहुत सिंपल फिर आता है एलिमेंट्री अल्जबरा इसमें क्या होता है सॉल्विंग एक्स प्लस फाइव इज ईक्ल टू टेन x प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल आ गया यहाँ पे वेरिएबल नहीं है अब आपके पास वेरिएबल आ गया थोड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन होगी फिर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएटल्जबरा यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट भी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई और इक्वल टू जीरो भी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है लोकनिथमिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं है? वो आप इसमें देखते हैं लीनियर अलजबरा के अंदर क्या करते हैं आप लीनियर इक्वेशंस को रिजॉल्व करते हैं और लीनियर अल्जबरा पी में लीनियर रिग्रेशन में मल्टी लीनियर एग्रेशन में पोलिनोमियल इक्वेशंस वगैरह के अंदर ये लीनियर लीनियरजबरा ही यूज़ होता जाता है अच्छा एब्सट्रैक्ट मॉडर्न अजबरा की मैंने बात की प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स इसमें आप देखते हैं फिर आप बुलियन अजबरा को देखते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर जीरो वन की जो वैल्यूज चलती हैं फिर रिलेशनल अजबरा में आपको क्यूरिंग डेटा बेस का मैंने बता दिया एंड देन कंप्यूटेशनल अजबरा के अंदर हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट किस्म की पोलिनोमियल इक्वेशन को कंप्यूटेशनल अलजबरा के अंदर यहाँ पर हम लीनियर्स इक्वेशन को यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट में यहाँ पर पोलिनोमियल में दूसरे होमोलॉजिकल मैंने आपको बताया कैलकुलेटिंग द होमोलॉजी एंड यूनिवर्सल अजबरा जो सारी की सारी जनरल स्ट्रक्चर को हम डील करते हैं ये कुछ टाइप्स थी अगर आप चाहते हैं तो इनका आप स्क्रीन ले सकते हैं वहीं पर स्क्रीन को फ्रीज़ करके क्योंकि अगर आप लाइव मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पर आप इनको फ्रीज़ करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं अब आपको ये भी मसला होगा कि यार अल्जब्रा तो बहुत आसान है इस तरीके से ये तो मसला ही कोई नहीं है सीधी सीधी क्वेश्चन रिजॉल्व करनी है बिलीव इट्स वेरी ईजी अगर आप स्टार्ट से सही तरीके से सीखें अलमिया ये है कि हमने सही तरीके से आज तक अल्जब्रा को सीख के अप्लाई ही नहीं किया हमें पता ही नहीं है किस तरीके से अप्लाई करना है और हमें तो हिस्ट्री नहीं पता होती तो आगे क्या चलना है ठीक है तो अगले लेक्चर में जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हम तकरीबन एक मिनट की ब्रेक लेते हैं